वॉकिंग स्टिक एक ऐसी चीज है जिसने विद टाइम एक अलग एवोल्यूशन देखा है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि एवोल्यूशन इतना हुआ है कि अब आप अपनी वॉकिंग स्टिक से मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं या स्टिक में इनबिल्ट टॉर्च है। और एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं कि वॉकिंग स्टिक पे व्हील्स हैं और ब्रेक सिस्टम भी, तो आप क्या बोलोगे? नोएडा के 17 साल के एक लड़के ने एक अनोखी वॉकिंग स्टिक का इजाद किया है और ये सारी चीजें उसमें इनबिल्ट है। और हाँ, ये वॉकिंग स्टिक एक अलार्म के साथ आता है। मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं गांव खासपुर से हूँ। तो ये लगभग अब से 4-5 साल पहले मैंने बनाई थी। जरूरत ही अविष्कार की जननी है। जब तक हमको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आएगा, तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी इनोवेशन को करने के लिए। ऐसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आया, आई लव माई ग्रैंडफादर मोस्ट, मैं उनको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो मुझे पता चला कि मेरे दादाजी को चलने में थोड़ा दिक्कत है। मैं गाँव आया, मैंने बोला कि मैं उनके लिए कुछ बनाऊंगा ऐसे करके। तो मैंने वॉकिंग स्टिक पे काम करना स्टार्ट किया। तो एक वॉकिंग स्टिक बनाते बनाते एक सेल्फ पावर जनरेटिंग स्टिक बन गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईटेक स्टिक है, जो कि ओल्ड एज पीपल्स को चलने में मदद करती है। ये बार बार उठाने की जरूरत नहीं है, एक बार रख के सीधा चल सकते हैं। ये चलने में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है। इसके अंदर टॉर्च सिस्टम भी है, इसके अंदर चार्जिंग सिस्टम भी है, इसके अंदर GPS सिस्टम है, SOS सिस्टम है, इसके अंदर हॉर्न सिस्टम है। तो एक मल्टी पर्पज पावर जनरेटिंग स्टिक है भाई। ये वॉकिंग स्टिक ना हुआ, जुगाड़ मेनिया का एक एपिसोड हो गया। कुछ ना कुछ नया निकलता ही जा रहा है। जब पहले मैंने स्टिक की मेरे मन में छवि आई कि मुझे कोई छड़ी बनानी है, तो सीधा एक स्टिक सामने आ रही थी कि एक स्टिक डेवलप करनी है। फिर मैंने सोचा कि एक स्टिक ना डेवलप करके एक ऐसी स्टिक बनाई जाए जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करे। तो स्टिक की फिजिकल बॉडी लगभग 3 महीने में प्रिपेयर हो चुकी थी। मेरे सामने एक ढांचा था कि मुझे ऐसे करके करना है। जो इलेक्ट्रिकल वाला पॉइंट था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो किसी भी फ़ोन को चार्ज करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, एक करंट चाहिए, दूसरा वोल्टेज चाहिए। हम लोग वोल्टेज निकाल पा रहे थे पर करंट नहीं निकाल पा रहे थे। 3-4 महीने हो चुके थे मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहा था इस स्टिक से। फाइनली मैंने चाइना के सर्किट्स खोलने स्टार्ट किए, जो वहाँ से सर्किट्स बन के आते हैं, जो वहाँ से चीज़ें बन के आती हैं। तो मुझे समझ में आया कि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बूस्ट करते हैं, उनके पास ऐसे बूस्टर्स होते हैं जिससे वो बूस्ट करते हैं और ऐसे ऐसे सर्किट डेवलप करते हैं। तो उनके सर्किट मैंने स्टडी करने स्टार्ट किए, पढ़ने स्टार्ट किए। तो उनके सर्किट से समझ में आया, 6 महीने हो चुके थे सर्किट समझते कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारी स्टिक 1.5 एम्पीयर करंट दे रही है और 5 वोल्टेज जनरेट कर रही है, जिससे कोई भी फोन इजीली चार्ज हो सकता है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.